हेलो फ्रेंड्स, आज ये सिंपल और आसान सा जिगजैग पैटर्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, ये इस तरह से बनता है। दिखने में भी बहुत सुंदर है और प्रोजेक्ट पे चढ़ता भी बहुत ही जल्दी जल्दी है। ये बहुत ही आसान और इजी चार लाइनों का डिज़ाइन है, जिसे आप अच्छी तरह से समझे तो बिगिनर्स भी जल्दी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को उल्टी तरह से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखता है और सीधी तरफ से ये इस तरह से दिखता है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये आप किसी भी गर्ल्स प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ प्रोजेक्ट में, स्वेटर, जैकेट, मफलर में, किसी में भी डालिए, शॉल में डालिए, बहुत ही उठ के दिखेगा। अब ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, ये 18 18 18 के मल्टीपल में चलेगा और प्लस आपको इसमें 5 फंदे एक्स्ट्रा जोड़ने होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे 18 प्लस 18 प्लस 18, और लास्ट में जब आप आएंगे तब आपको उसमें 5 फंदे ऐड करने होंगे। तो आपका जो है ये पैटर्न बनके इस तरह से तैयार होगा। 4 रोज़ का रिपीट पैटर्न है, जिसमें से जो बैक साइड वाली रोज़ है वो पूरी पर्ल वाइज बनेगी, मतलब आपको उल्टी बिननी पड़ेगी। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को सीखना शुरू करते हैं। देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 18 के मल्टीपल में 3 टाइम स्टिचेस लिए हैं, ठीक है, और उसमें 5 स्टिचेस जोड़ दिए हैं। आपको जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है उस हिसाब से आपने फंदे डाल के इस पैटर्न को बनाना है। तो इस डिज़ाइन में बेसिकली देखिए क्या है, यहाँ पे ये केबल पैटर्न बना है बीच में, ठीक है, और केबल पैटर्न के आजू बाजू में हमने जाली दी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करते गए हैं, जिस वजह से यहाँ पे ये जिगजैग पैटर्न इस तरह से बन के आएगा। तो देखिए, फर्स्ट रो डिज़ाइन की और राइट साइड किस तरह से बनेंगी। पहला फंदा जो है आप उतारिए या बिन लीजिए, ये जो है ये एजेस का फंदा है। अब इन 3 फंदों में से जो है हमें केबल बनाना है, तो आप कोई से भी केबल बना सकते हैं। मैं जो बना रही हूँ वो देखिए किस तरह से बनेगी। ये जो 3rd फंदा है, इसको आपने इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देना है, ठीक है, इस तरह से उतार देंगे। फिर एक फंदा सीधा जाली देंगे, दूसरा फंदा भी सीधा, 3 में से हमने 3 फंदे बना लिए। अब क्या करेंगे, हमें आगे की सिलाई जो है वो पर्ल वाइज बनानी है। तो हमें एक जाली देनी है जो हम इस तरह से देंगे, घुमा के नीडल पे हम एक जाली बनाएंगे और आगे हमें 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे उल्टे बनाए। फिर हमें यहाँ पे जो है मिडल में 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाना है। देखिए, 3 फंदे हमने निडल में लिए और इन्हें एक साथ उल्टा बुन दिया। यहाँ पे हमने 3 का 1 किया है, आगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे हमने क्या किए हैं, उल्टे बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हमारा केबल पैटर्न आ गया है, साथ में हमें यहाँ पे एक जाली भी देनी है। तो क्या करेंगे, फंदे को इसी तरफ रखेंगे, थ्रेड को हम इसी तरफ रखेंगे। ये जो 3रा फंदा है, इसे अगेन इन 2 फंदों के ऊपर से हम गिरा देंगे, ठीक है, गिरा दिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से एक जाली देंगे, 1 फंदा सीधा,
अगेन हमें धागा आगे लाना है, एक फंदा फिर से सीधा। अब हमें आगे के छह फंदे उल्टे बिनने हैं, तो हम इस तरह से धागे को राउंड करेंगे और एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे हमने उल्टे बुने। अब यहाँ पे हमें तीन फंदे का एक करना है। देखिए हम यहाँ पे तीन का एक कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों साइड में जाली से फंदे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीन का एक बन गया। इसके आगे फिर से हमें छः फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः। छः फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें यहाँ पे फिर से इस तरह से धागे को लपेट के एक जाली बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए तीन का एक किया है, तो हमें यहाँ पर भी एक जाली से और ये यहाँ पर भी एक जाली से फंदा इसके दोनों साइड में बढ़ाते हुए जाना है, इसे नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारे तीन फंदों की केबल बनेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंदे को थर्ड फंदे को दोनों फंदों के बीच में से उतार लेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर से जाली देंगे, एक फंदा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड करना है कि हमें उल्टा फंदा बनाना आसान पड़े, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच और छः। अब छः फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हमें तीन फंदों का एक बनाना है। इसके बाद हमें फिर से आगे एक दो तीन चार पाँच और हम छः फंदे उल्टे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने पाँच फंदे सॉरी छः फंदे उल्टे बनाए, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद हमें यहाँ पे फिर से इस तरह से जाली देनी है। अब तीन फंदों की जो हमारी केबल है वो बनानी है, ठीक है। तो इसमें से एक फंदा सीधा बनेगा और जाली देते हुए दूसरा फंदा भी सीधा बनेगा। जो लास्ट का फंदा है उसे आप उल्टा या सीधा स्टिच जिस तरह से बुन रहे हैं उस तरह से आपको बुनना है। आ जाइए सेकंड सिलाई पे। सेकंड सिलाई जो है इस डिज़ाइन की पूरी उल्टी बनाई जाएगी। तो जितने भी आपके फंदे हैं इन्हें आपने पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है। देखिए जो हमने जाली से फंदे बढ़ाए हैं उन्हें भी हमें इस तरह से उल्टा ही बुनना है। तो इन पूरे फंदों को हमने इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए जो सेकंड सिलाई है उसे कंप्लीट करनी है। सेकंड सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ गए हैं हम थर्ड सिलाई पे। अब थर्ड सिलाई इसकी कैसे बनेगी आप ध्यान से देखना। पहले फंदे को आप उतारिए या बुन लीजिए, ठीक है। अब जो से डिज़ाइन जो केबल वाला है वो एज़ इट इज़ ही बनेगा। हमने इस थर्ड फंदे को दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देना है, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, धागे को बल देंगे तो यहाँ पे एक जाली आएंगी और एक फंदा सीधा, तो हमारे तीन में से तीन फंदे फिर से बन गए हैं। अब जो है हमें
आगे जैसे हमने फर्स्ट सिलाई में ये सारे फंदे उल्टे बिने थे, हमें क्या करना है थर्ड सिलाई में यहाँ पे सीधे सीधे फंदे बुनने हैं, मतलब नीट वाइज जाएंगे हम। तो अब जितनी भी हमें जालियाँ देनी है वो इस तरह से देनी है, मतलब सीधे सिलाई में जिस तरह से जाली देते हैं वैसे देनी है। तो बाकी के प्रोसेस जो है वो सेम रहेंगी, जैसे छः फंदे पहले उल्टे बना के फिर तीन फंदे का एक किया था, अब छः फंदे हमने सीधे बना के फिर तीन फंदे का एक करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे छः फंदे स्टार्ट होंगे, हमने बल दिया, अब एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे सीधे बनाए। अब बीच में हमें इन तीन फंदों का एक करना है, तो ये हमने पहले जो तीन फंदे का एक फंदा किया था उसके आजू बाजू वाले दो फंदे मिला के हमें तीन फंदे का एक फंदा करना होता है। ये आप थोड़ा सा मतलब देख के करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, तीन फंदे का सीधे फंदे बनाते हुए तीन का एक करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, पीछे से देखिए आप, ये फर्स्ट फंदा और ये थर्ड फंदा, इनको मैंने क्या किया है निडल में उठा लिया है, और बीच वाला जो ये फंदा है इसे हमने, ये देखिए इसको हमने स्लिप कर दिया है, इसे हमने अभी नहीं उठाया है। तो बस इन दो फंदों को हम पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर लेंगे। अब थ्रेड को पूरे तीनों फंदों को हमने सुई से नीचे उतार दिया है, बीच वाला जो बिना बुना था उसे हम फिर से निडल पे चढ़ा लेंगे इस तरह से। अब ये वाला जो बिना हुआ है जिसको हमने दो का एक किया है इसको भी हम लेफ़्ट नीडल पे ले लेंगे, और जो हमने स्लिप किया था उसे बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, इस फंदे को इस नीडल में राइट नीडल में ले लेंगे। तो इस मेथड से आप जब राइट साइड की सिलाइयाँ बुनेंगे तो तीन फंदे का एक फंदा आपने करना होगा, ठीक है। आगे या फिर आपको जो भी मेथड आप फॉलो करते हैं उस मेथड से आप कीजिए। अब आगे छः फंदे जो है हम सीधे बिनेंगे, तो हमारे दो हो गए, तीन चार पाँच और ये छः, इन छः फंदों को मैंने सीधा बुन दिया है। अब यहाँ पे हमें फिर से जाली देनी है, जाली देने के बाद यहाँ तक हमारे 18 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। 18 फंदे जो है हमने कंप्लीट बुन लिए हैं जाली के साथ में। अब क्या करना है, एक दो और तीन, इन तीन फंदों की केबल जैसे हम बना रहे थे एज इट इज़ वैसे ही बनानी है। इसे हम दो फंदों के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से हम यहाँ पे बल देंगे और एक फंदा सीधा, अब फिर से बल देंगे, छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे सीधे बिनने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से तीन फंदे का एक करना है। तो इस तरह से हमने दो फंदों को निडल में ले लिया है, इस तरह से बिन देंगे, बीच वाले फंदे को उठा के और इस तरह से तीन का एक हमने कर लिया है। फिर से आगे छः फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदे हमने सीधे बना दिए और एक यहाँ पे जाली दे दी। ये हमारे 18 फंदे का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब तीन फंदे की जो केबल है वो बनेगी, देखिए इस फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर दिया है, एक फंदा सीधा, थ्रेड को बल देंगे, फिर से एक फंदा सीधा, तीन फंदे की हमारी केबल बन गई है। यहाँ पे जाली डालेंगे, अब एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हमने सीधे बनाए। अब हमने तीन फंदे का एक फंदा करना है इस तरह से, तीन का हमने एक कर दिया, बीच वाले फंदे को हमने उठा लिया, इसे इस फंदे के ऊपर से हम गिरा देंगे, बहुत ही फिनिशिंग से ये तीन फंदे का एक फंदा आपका बनता जाएगा, एक दो
तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने सीधे बनाए और यहाँ पे बल दे दिया, मतलब एक जाली दे दी। तो यहाँ पे हमारे 18 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से हम केबल पैटर्न पे है, तो केबल पैटर्न जो लास्ट वाला है उसे हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदों के ऊपर से एक फंदा गिरा दिया है, एक फंदा सीधा, बल दे के एक जाली बना दी, एक फंदा सीधा, और एस स्टिच को आप उल्टा या सीधा कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो तीन सिलाइयाँ डिज़ाइन की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आ जाइए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो इसकी सेकेंड रो की तरह बनेगी। पूरे फंदों को आप पर्ल वाइज बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से पर्ल वाइज बनाने हैं आपने पूरे फंदे। जाली वाले फंदे को भी आपने पर्ल वाइज बुनना है, नेक्स्ट फंदे को भी आपने पर्ल वाइज ही बुनना है। हर फंदा आपका पर्ल वाइज बनता हुआ जाएगा। ठीक है, रॉन्ग साइड की सिलाई जो है मैंने फोर्थ साइड वाली कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो है हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपने भी इसी तरह से बनाते हुए जाना है, चार सिलाइयों को आप रिपीट करते हुए जाइए, तो आपका ये सुंदर सा निटिंग पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको आज का वीडियो? अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।